डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास डायग्राम इन यूएमएल। सबसे पहली चीज ये है कि क्लास डायग्राम जो है वो स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर आते हैं। स्ट्रक्चरल डायग्राम का मतलब क्या है, जहां पे हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऊप्स वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, कि जहां पे हर एक कंपोनेंट को हम एज ए क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक क्लास का बेसिकली फंडा क्या होता है कि जितने भी हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना चाह रहे हैं वो सारे चीजों को हम एज ए क्लास, और हर एक क्लास के अंदर क्या हो रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उनके मेथड्स हैं। तो वही चीज को हम प्रॉपरली डिपिक्ट करते हैं, properly visualize करते हैं by using the class UML diagram। Example के तौर पे मैं यहाँ पे एक banking system का diagram लेके आया हूँ। Banking system में हमारे पास कौन कौन से components हो सकते हैं। Banking system में हमारे पास एक account हो सकता है as a component, वहाँ पे customer as a component हो सकते हैं, वहाँ पे transactions as a component हो सकती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने as a class जो है वो represent करना है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें class से ही start करते हैं। जैसे मैंने एक class यहाँ पे create की account, अब account जो class है वो यहां पे इस तरीके से हम लोग लिखते हैं मिड में अकाउंट, और यहां पे पहला लेटर हमने कैपिटल लिखा। अब अकाउंट जो ये क्लास है, हर एक क्लास के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक है हमारे पास यहां पे एट्रीब्यूट्स और दूसरे हमारे पास फंक्शंस या मेथड्स कह लो। एट्रीब्यूट्स मतलब जो उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अकाउंट में क्या हो सकता है, अकाउंट का नंबर हो सकता है, अकाउंट में बैलेंस कितना है, डेट ऑफ ओपनिंग हो सकता है, ये सारे जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस अकाउंट के। और दूसरी चीज मेथड्स या फंक्शन, हम उस अकाउंट के ऊपर क्या मेथड क्या फंक्शन लगा सकते हैं। हम वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑब्वियसली अकाउंट क्यों ओपन किया है, ताकि मैं पैसा डिपॉजिट कर सकूं या पैसा मैं विड्रॉ कर सकूं, जिसको क्रेडिट बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, या फिर मैं उसमें कुछ लोन वगैरह अगर मुझे लेना है तो मैं वो ले सकूं, रिमूव कर सकूं। तो वो सारी चीजें जो है वो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मेथड्स हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। अब यहां पे दूसरी चीज हमारे पास आ गई, क्लास का स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। अब ये जो मेथड्स हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी विजिबिलिटी मतलब ये आपको किस तरीके से दिखेंगे। देखो यहां पे विजिबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जैसे प्लस, प्लस मतलब पब्लिक। जैसे हम नॉर्मली ऊप्स के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते ही हैं, पब्लिक मतलब कि ये जितने भी आपके मेथड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी अदर क्लासेस कोई भी इसको यूज कर सकता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है माइनस, दैट इज प्राइवेट, मतलब सिर्फ इस क्लास के अंदर ही इसको यूज किया जा सकता है, बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। फिर आ जाते हैं आपके पास प्रोटेक्टेड, है से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटेक्टेड मतलब काइंड ऑफ प्राइवेट ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर क्या आ जाता है कि अगर लेट्स सपोज मेरी क्लास है वो सुपर क्लास है या पेरेंट है, तो उसके आगे जितने भी चाइल्ड है वो भी एक्सेस कर सकते हैं, बस ये फर्क है। लेकिन प्राइवेट में चाइल्ड भी एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ उस दिन उसी क्लास के अंदर ही उसको यूज किया जा सकता है। और एक आ जाते हैं हमारे पास पैकेज, पैकेज मतलब कि जैसे मैंने बैंकिंग सिस्टम का बनाया, ये एक पैकेज के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो। अब इसी का एक और पैकेज अगर मैं बना दूं, लेट्स से इंश्योरेंस का कोई पैकेज बनाऊं, अब वहां पे इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो ये सिंपल सा विजिबिलिटी वाला फंडा आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। तो यहां पे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप जिसको पब्लिक बनाना चाहते हो या प्राइवेट बनाना चाहते हो वो चीजें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से मैंने यहां पे ब्रांच, बैंक, लोन, सेविंग अकाउंट, ये काफी मैंने यहां पे क्लासेस क्रिएट की है। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहां पे रिलेशनशिप का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप जो रिलेशनशिप बना रहे हो क्लासेस की आपस में वो किस तरीके से होती है और कितने टाइप की होती है। तो इसमें सबसे पहली आती है आपकी एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब दो क्लासेस आपस में एसोसिएटेड है। लेकिन इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है आपका एग्रीगेशन का और दूसरा आता है कंपोजिशन का। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, एग्रीगेशन पहले तो देख लो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो डायमंड आ जाता है और ये ऐसे लाइन जो है वो आपकी डिनोट होती है। अब ये जो एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन मतलब काइंड ऑफ हैज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप मतलब आपस में रिलेशनशिप है, कि ब्रांच के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, अकाउंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हैज ए रिलेशनशिप आ गया। और ये आपका आ गया कंपोजिशन। कंपोजिशन को हम बस उसी जो आपका डायमंड है उसके अंदर इस तरीके से फील्ड कर देते हैं। कंपोजिशन और एग्रीगेशन में हमेशा ये फर्क याद रखना कि कंपोजिशन में अगर मैं एक चीज को हटाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक को रिमूव कर दिया, बैंक को अगर मैंने बैंक क्लास को हटा दिया तो भैया ब्रांचेस एग्जिस्ट करेंगे
नहीं करेंगी। अरे यार जब बैंक ही उड़ गया, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आईसीसी एचडीएफसी, उनकी हजारों ब्रांचेस है, अगर बैंक ही बंद हो गया, फ्रॉड हो गया, कुछ भी निकल गए वहां, तो यार ब्रांचेस कहां से आएंगी। तो ये कंपोजिशन का मेन फंड है कि अगर ये क्लास गई तो कंपोज्ड वाले जितने भी हैं वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। लेकिन एग्रीगेशन में ऐसा कोई फंडा नहीं है। अगर आप लेट्स सपोज ब्रांच हटाते हो तो क्या अकाउंट हटाओगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार। बहुत बार होता है कि बैंक की जो बैंक आपस में मर्ज हो जाती है या ब्रांच चेंज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांच अगर बंद भी हो जाती है तो आपके अकाउंट कहीं और शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो अकाउंट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस या जनरलाइजेशन, मतलब जैसे हमारे पास अकाउंट है, अब अकाउंट में भी तो हमारे पास फर्दर जनरलाइज कर सकते हो आप इसको, कैसे? लोन अकाउंट हो सकता है, इट कैन बी अ सेविंग अकाउंट, इट कैन बी अ कॉर्पोरेट अकाउंट ऑल्सो। यहाँ पे सेविंग आ गया, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट कह सकते हो, या फिर इसको आप उसको करंट अकाउंट भी बोल सकते हो, करंट भी बोल सकते हो, ठीक है? तो करंट अकाउंट भी आ सकता है, सेविंग अकाउंट भी आ सकता है, लोन अकाउंट भी आ सकता है, ये इसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है? अब ये जो जनरलाइजेशन है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो नोट कर लेना। यहाँ पे अब इसको इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है? अब यहाँ पे आप कोई भी चीज, कोई नया मेथड, कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, अब ये एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो एट्रीब्यूट आपने पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास होगी ना, और ये क्या होगी आपकी चाइल्ड क्लासेस होगी, ये तीनों आपकी क्या है? चाइल्ड क्लासेस है। अब पेरेंट क्लास में कुछ भी ऐड करो एट्रीब्यूट, तो चाइल्ड में तो ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, लेकिन आप चाइल्ड के अपने भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, वो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, इसके खुद के भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो मेन आप याद रखना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट कि जैसे हमारे मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि आपने जो आपस में क्लासेस को रिलेट किया, जो एसोसिएट किया है, ये किस फॉर्म में किया, मतलब कितने नंबर में, नंबर इन द सेंस, जैसे आपको यहां पे डायग्राम में दिख रहा है कस्टमर लोन, एसोसिएट कर दिया कस्टमर को लोन से, लेकिन यहां पे नंबरिंग दिख रही है 1 0 ... स्टार। अब ये 0 ... स्टार का मतलब क्या है? ये 1 मतलब ए कस्टमर कैन हैव 0, और ये .. का मतलब है और, मतलब इसको आप एक बार समझ लो, बड़ा ईजी है, 0 और स्टार मतलब मैनी, बस ये याद रखना। इसमें तीन ही चीजें हैं, एक जीरो है मतलब जीरो, मतलब जीरो कुछ नहीं है, वन है मतलब एक इंस्टांस हो सकता है, या फिर स्टार मेनी इंस्टांस हो सकते हैं। तो यानी एक कस्टमर के या तो जीरो लोन अकाउंट या फिर मेनी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, समझ गए हम यहाँ पे। दूसरा, एक कस्टमर के या तो जीरो सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक सेविंग अकाउंट हो, मेनी मत लगा देना, मेनी सेविंग नहीं हो सकते। ऐसे एक कस्टमर के, एक ब्रांच के अंदर बात कर रहे हैं, वन मतलब एक बैंक के अंदर, जीरो या फिर वन करंट अकाउंट हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी मल्टीप्लिसिटी कहलाता है कि 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, जो रिलेशनशिप है उसकी कार्डिनैलिटी को दर्शाता है ये। तो ऐसे बैंक, वन बैंक कैन हैव मेनी ब्रांचेस, तो ये 1 to 1, 1 to many ये कॉन्सेप्ट को बड़ा ईजी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 0 ... स्टार, इसका मतलब क्या है? या तो जीरो या फिर मैनी, 1 ... स्टार, 1 या फिर मैनी, 0 ... 1, 0 या फिर 1, तो ये आपका जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते। जैसे यहाँ पे 1 ब्रांच कैन हैव 0, अभी हो सकता है अभी खुली है ब्रांच, तो अभी कोई अकाउंट नहीं है, या फिर मैनी अकाउंट हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप ये सारी चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी। ऐसे इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ जाता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, मेन कॉन्सेप्ट यही है, इतना सफिशिएंट है, बट अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हो, एक्सटेंड करोगे तो जैसे एक आ जाता है रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन का मतलब पता क्या है कि अगर आपने कोई इंटरफेस के थ्रू अगर आप यूज करो, जैसे अकाउंट है, अब आजकल जो है वो आपको पता है इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग में हमें पता है कि यार जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इंटरनेट बैंकिंग अगर कोई बनाता हूं, नेफ्ट वगैरह कर रहा हूं या इंटरनेट बैंकिंग कर रहा हूं, तो वो आपका किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू होगा। ऑनलाइन इंटरफेस होते हैं ना, वेब ब्राउजर पे आप लिखते हो जाके www.sbi या फिर icici, तो वो जो इंटरफेसेस को जब भी शो करना है यहाँ पे क्लास डायग्राम में, तो इंटरफेसेस आपके जो है वो डॉटेड लाइन और लास्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंसी आती है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट है, अब यूजर ने कोई अकाउंट क्रिएट किया, बट ये जो अकाउंट क्लास के पास अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको वेरीफाई कर सको, तो उसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग जो है वो आपके पास अलग से क्लास क्रिएट कर सकते हैं, वेरीफिकेशन अथॉरिटी। वेरीफिकेशन मतलब जिसका काम है सिर्फ वेरीफाई करना। तो यहाँ पे डिपेंडेंट है, क्लास अपने एंड से अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, वो पहले वेरीफिकेशन की हाँ करेगा, अगर वेरीफाई हो गए डॉक्यूमेंट सही है तो वो बोलेगा ओके, अदरवाइज नहीं। तो ये फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, बट
मेन कहानी जो है आपको मैंने सारी की सारी समझा दी, ये पॉइंट नोट कर लेना, कहीं पे भी पूछिए आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।